नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है। बहुत ही स्पेशल वीडियो है। थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं हम, डायरेक्ट 2011 में, 10 साल पीछे चलेगा। और क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली, 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, तो वो सही है या फिर गलत? बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बहुत पहले बना भी चुके, लेकिन हम अभी बना रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल भी तो अभी अभी खुला है। तो मेरे साथ मौजूद है मानस और आर्यन। नमस्कार दोस्तों, वापस जुड़ चुके हैं। आईपीएल तो रहा नहीं, पर कुछ जो सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने सोचा भी था, पर आईपीएल की वजह से टाइम नहीं मिला। थोड़े सोशल इश्यूज के बारे में बारी है, जो क्रिकेट जगत की, दुनिया में सबसे बड़े इश्यूज में से एक हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिबेट भी करेंगे इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इसके अंदर जो जैसे ESPN क्रिक इन्फो ने बोला कि वो जो सिक्स था महेंद्र सिंह धोनी का, उसने पूरा मैच पलट दिया। फिर उसके बाद गौतम गंभीर जी का ट्वीट आता है, जस्ट अ रिमाइंडर ESPN क्रिक इन्फो, द वर्ल्ड कप 2011 वाज वॉन बाय द एंटायर टीम इंडिया, नॉट दिस सिक्स। तो आपकी क्या राय है आर्यन की, इनका कहना सही है क्या कि उस सिक्स से ही पूरा वर्ल्ड कप नहीं जीता है, पूरी टीम ने जिताया है उस फाइनल में? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ गौतम गंभीर की बात से, क्योंकि देखो वो सिक्स की देखो बात है, वो थोड़ा आइकॉनिक शॉट था एमएस धोनी का। बात कहे तो मतलब ऐसा कोई नहीं था कि भाई नॉर्मल सा शॉट मार के जिता दे, मतलब एक आइकॉनिक शॉट मार के जिताया था, तो इस वजह से लोग शॉट की बात कर रहे थे। बट वो सिक्स की देखो, वो सिक्स की वजह से नहीं जीते, क्योंकि 11 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे, और वो कैसे भी बन सकते थे, वो आप सिंगल सिंगल लेके भी बना सकते थे। तो मुझे लगता है कि वो सिक्स की वजह से नहीं जीते हैं ना। देखो नॉक दोनों की इम्पोर्टेंट है, सही बात बताऊँ तो शुरू में दोनों प्लेयर्स आउट हो गए थे हमारे, पहले वीरेंद्र सहवाग हो गए थे, फिर सचिन तेंदुलकर हो गए थे, 31 रन के स्कोर तक 2 विकेट गिर चुके थे, दबाव ऐसे ही आ जाता है। फिर गंभीर और कोहली की शानदार पार्टनरशिप हुई, बट आपने एक चीज देखा होगा, कोहली आउट हुए थे उसमें दिलशान ने बहुत शानदार कैच करा था, उसमें कोहली की कोई गलती नहीं थी। तो एक टाइम पे 114 रन पे 3 विकेट गिरने के बाद तक मतलब गंभीर अच्छा संभाल गए थे, गंभीर बहुत सही खेल गए थे। तो मेरे हिसाब से दोनों के नॉक बेटर है, आप कंपेयर नहीं कर सकते किसकी बेटर है। देखिए, आप ये देखिए ना कि कंट्री जीती है। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में इस चीज को देखिए कि हमने अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता 28 साल के बाद, फिर भी ये इश्यूज खड़े हो रहे हैं। मैं अपना भी दूंगा, ठीक है। गंभीर की बात हो रही है, आपने ठीक कहा, गंभीर की बात हो रही है। 122 बॉलों पे उन्होंने 97 मारे, आउट हो गए। थोड़ा सा प्रेशर उस टाइम पे भी था कि जब 53 बॉल्स पे कुछ 59 रन से कुछ चाहिए थे उस टाइम पे भी आ सकती है। श्रीलंका के पास बहुत शानदार बॉलिंग अटैक था। देखिए, ये बॉलिंग अटैक बहुत घातक था उस टाइम तक का, 2010-11 में, क्योंकि मलिंगा, फिर मेंडिस और तिसारा मुरलीधरन, परिहार, कुलसेकेरा, मुरलीधरन इनके जैसे वर्ल्ड कप से शानदार बहुत बॉलर थे। थे, तो इस टाइम पे भी प्रेशर उतना ही था। एंड में जब आके थोड़े चौके छक्के लगाने का रिस्क लिया, युवराज सिंह के साथ पार्टनरशिप करी, वो इतना आसान नहीं होता कि आप 6 नंबर पे जिस बैट्समैन के साथ आ रहे हैं उसके साथ आप अपनी पार्टनरशिप जमाएं। गौतम गंभीर पहले से लय में आ चुके थे, विराट कोहली के साथ लय में आ चुके थे। वो थोड़ा सा थोड़ी पहले पार्टनरशिप सचिन तेंदुलकर जी के साथ भी हो गई थी, तो थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने, फिर जाके रन बनाना चालू किए, एकदम से रुक गए, फिर थोड़ा सा एंड में बूस्ट अप किया, फिर शतक के चक्कर में, रन भागने के चक्कर में थोड़ा करीब आ गए थे। मेरे को लगा, देखिए आप कहेंगे गौतम गंभीर के फैंस मुझे कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हाइलाइट्स भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा सेल्फिश गेम नजर आया है। पूरी माई क्रिकेट इंडस्ट्री की टीम भी ये मानती है कि थोड़ा सा सेल्फिश गेम नजर आया था उनकी नॉक में, इनिंग्स में। और देखिए जो महेंद्र मुझे, सिंह धोनी की अगर बात करूं मैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सेल्फिश नॉक नहीं थी वो। बहुत रिस्क भी लिया उन्होंने और आराम विदाउट प्रेशर खेल के भी गए। देखिए आपने बात करी सेल्फिश गेम की, वो तो चलो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं 3 रीजन बताऊंगा जिस वजह से बिल्कुल सही डिसीजन था कि धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला। और पहला रीजन ये, धोनी कहना चाह रहा हूँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने, ये पूरा वर्ल्ड कप हो गया, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू के अंदर गए, फिर उनसे पूछा गया कि आपका क्या अनुभव था, तो फिर उन्होंने एक ही चीज बोली थी, देखिए सब लोग जहाँ पे वो जाते थे एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ पे वो एक ही चीज कहते थे, सर वर्ल्ड कप जीतना है, और वो बोले कैसे, क्योंकि इंडिया में के अंदर हो रहा है। तो ये सबसे हाँ, बड़ी ये गलत चीज फहमी, मैंने भी सुनी थी, ये ये गलत चीज मैंने फहमी। भी सुनी थी, वो कहीं भी जाते थे उन्हें यही बोलते थे कि इस बार का वर्ल्ड कप जीतना है, तो धोनी पूछते थे क्यों जीतना है, तो वो बोलते थे इंडिया में वर्ल्ड कप है। बट देखो आपको एक बात बताओ, 2007 तक का जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उसमें होम टीम कभी भी नहीं जीती अभी तक, एक बार भी नहीं। यही बात बोली थी 2011 उन्होंने। में इंडिया जीती, और जब से इंडिया जीती तब से सभी बदल गया। देखो 2019 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड जीती, 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंबाइन देखिए, हुआ था, बट फाइनल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और मेरे ऑस्ट्रेलिया हिसाब से, जीती थी। सुनिए सुनिए एक बात कहना चाहूंगा, 2023 का इंडिया में क्या पता टोट का काम कर जाए, और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि यही चमत्कार चलता रहे।
हाँ, सीरीज में देखिए चलती रहे। तो ये एक रीजन था कि आपको कैप्टन है धोनी। अब वो सारे लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं, भाई इंडिया है, इंडिया के अंदर हो रहा है वर्ल्ड कप, जीतने ही लोगों की मेंटेलिटी मुझे बहुत गलत लगी यार। इंडिया के अंदर हो रहा है तो वर्ल्ड कप कैसे जीत जाए, इतनी सारी टीमें इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो एक तो आप मान बट लो वो मेंटल प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर जो कैप्टन के पास हमेशा रहेगा कि जो लोग कहेंगे कि वर्ल्ड कप जीतना है। और ऐसा टाइम मैंने हमेशा देखा, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है ना, वो इंसान के दिमाग में वही चीजें घूमती है कि वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। तो उस मेंटल प्रेशर से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। और महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन, उन्होंने जैसे 2 ओवर तेंदुलकर से करवा और उनसे करवाए, बहुत बड़ी बात है कि आपका ओवर निकाल रहे हो, क्योंकि जो दूसरे बॉलर्स हो इतने महंगे साबित हो रहे हैं, 60 रन दे रहे हैं 7 ओवर के अंदर ऐसे। और तीसरा, महेंद्र सिंह धोनी ने एक रन आउट भी करा, तो उसका भी उनको श्रेय मिलना चाहिए। और चौथा, ये उन्होंने जो मैच फिनिश करा है ना, आके खुद को प्रमोट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन्होंने प्रमोट कर लिया और वो आउट हो जाते 10-20 रन पे, तो पूरा जो पूरी पब्लिक होती ना, मैं 100% के साथ कह सकता हूँ उनके ऊपर ही पूरा हल्ला बोलते कि आपकी वजह से हारे, क्योंकि यही होती है पब्लिक की मानसिकता। देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, आते हैं वो थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर की बात कर लेता हूँ उनकी। उनके पास मेंटल प्रेशर हमेशा रहता है। 2011 वर्ल्ड कप का ही आप ले लीजिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी का ले लीजिए, 2016 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच को ले लीजिए। ये तीन कंडीशन है जो एक बड़े स्तर पे है एक प्रेशर में। मैचेस का अलग, छोटे नॉर्मल सीरीज की बात अलग है, लेकिन कोई मैचेस का जो अलग सा प्रेशर रहता है उनमें कभी आपने देखा है धोनी एकदम शांत खड़े रहते हैं? और हमेशा ही बात, हमेशा की बात कर लीजिए आप नॉर्मल सीरीज की या किसी भी मैच की। इस टाइम पे आप लाइए विराट कोहली को, इवन आप रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लीजिए या किसी और कैप्टन का, वो क्या करते हैं बस्ट आउट करना चालू कर देते हैं, अग्रेशन दिखाना चालू कर देते हैं, फिर वो एब्यूसिव लैंग्वेज फ्रस्ट्रेशन पे आ जाता है। उतर जाते हैं, पूरा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वन पॉजिटिव थिंग आई फील पर्सनली ऑफ हिम, आई लर्न इवन कि हमेशा वो देखिए एक कितना भी मेंटल प्रेशर हो एकदम शांत खड़े रहेंगे। अपने बॉलर्स का कभी मोरल डाउन होने नहीं, मोरल जो होता है वो कभी डाउन होने नहीं देते, इसी वजह से बेस्ट कैप्टन कहलाते हैं। और मेरे हिसाब से नॉक भी एकदम परफेक्ट एक्यूरेट है, एकदम बढ़िया है, और क्यों नहीं दे इतने। पहली बात तो सब स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था, और देखिए गंभीर का स्ट्राइक रेट बहुत कम आ गया था, गंभीर का स्ट्राइक रेट हो गया था 79.50 का, धोनी जी का स्ट्राइक रेट था 115 का। दो तो देखिए छक्के और आठ कितना फास्ट चौके। डिफरेंस है, देखिए कितना वास्ट डिफरेंस है इस पूरे नॉक में। गौतम गंभीर ने 9 चौके मारे थे, फिर देखिए रन लिए चार जा रहे हैं आप, रीजन, बीच में रोके जा रहे हैं। ये चार रीजन एक है जो टाइम आया बताते हैं था, कि बिल्कुल सही फैसला था मैन ऑफ द मैच का। देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, ये किसी ऐसा नहीं कि हम धोनी के फैंस हैं तो उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, एक पर्पसफुल कारण से हम आए हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा इशू है, अभी तक चलता हुआ आ रहा है, 10 साल हो गए हमारा। ये यही था कि पब्लिक को सच बताएं, प्लीज ऐसा मत समझिए कि हम धोनी के फैंस तो उन्हीं की तारीफ करेंगे। कि जो मेन पर्पस था ना वीडियो का, वो है कि जब ये हुआ था और अभी इसकी एनिवर्सरी भी आई थी कुछ थोड़े दिनों पहले अप्रैल के अंदर, तो ट्विटर पे ऐसा आ रहा था कि गलत फैसला किया है मैन ऑफ द मैच। देखिए बहुत लोगों का आ रहा था, और बहुत 70-80% लोगों का आ रहा था कि सही फैसला था। तो हमने सोचा कि हम अपना भी ओपिनियन लाया, क्योंकि टीम को जो मैन ऑफ द मैच जो देता है वो कोई ऐसा सोच समझ के देता होगा ना भाई, इसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। कोई अपने मन से तो वो देगा नहीं कि भाई धोनी ने 6 मारे उस वजह से, उनके जो और कारण थे उनकी वजह से भी तो दिया होगा। जैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को मिला है, उन्होंने ऐसे ही थोड़ी दे दी कि बढ़िया खेल रहा है, पूरी सीरीज के अंदर उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म करा जब भी तो दिया है ना। तो हम वो अपना ओपिनियन लाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।